हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंसानों को गलतियों का पुतला कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इंसानों को गलतियों का पुतला कहा जाता है। लेकिन इंसानों ने कुछ ऐसी गलतियां भी की है जो आगे चलकर उनके और समाज के लिए एक अभिशाप बन गई। उनकी इस गलतियों की कीमत आज हजारों करोड़ों की बन गई है। ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि एक छोटी सी गलती थी लेकिन भारी भरकम आर्थिक नुकसान देकर गई। रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1968 में अलास्का को बर्फ से भरी जगह समझकर अमेरिका को मात्र 50 करोड़ में बेच दिया था। अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका ने वहां खोज की और वहां फिर उन्हें हजारों करोड़ों के सोना, चांदी और ऐसे महंगे खनिज पदार्थ मिले जिसने अलास्का की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया। आज अलास्का की कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, या कह लें लाख करोड़ रुपए। लंदन में स्थित वॉकी टॉकी बिल्डिंग के निर्माण समय सिविल इंजीनियर के द्वारा एक बड़ी गलती हो गई। उनकी इसी गलती के कारण सूर्य की रोशनी इतनी तेजी से वहां जमीन पर पड़ती है कि कुछ ही देर में वहां खड़ी कार पिघलने लग जाती है। इसी बात से अनजान एक व्यक्ति ने वॉकी टॉकी बिल्डिंग के सामने अपनी जैगुआर कार खड़ी कर दी थी। कुछ ही समय बाद उसके पार्ट्स पिघलने लगे। बिल्डिंग के पास तेज सूर्य रोशनी के कारण और भी अन्य घटनाएं होने लग जाती हैं, जैसे कि बेहद गर्मी, अंधापन इत्यादि। यह गलती निर्माण करते समय कर्व बन गई जिस कारण इस बिल्डिंग का नाम वॉकी टॉकी पड़ा। सिविल इंजीनियर की यह गलती आज एक अभिशाप के रूप में स्थापित है। यदि आप इंटरनेट की पुरानी उपयोग करता है तो आप excite.com से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि जब याहू दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन था उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सर्च इंजन था। उस समय excite.com के CEO जॉर्ज बेल को गूगल को खरीदने के लिए एक ऑफर मिला। उस समय गूगल की कीमत मात्र 48 करोड़ थी, लेकिन कंपनी के CEO ने इसे खरीदने से मना कर दिया। आज हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि गूगल की इनकम कितनी है। आज जब भी वह गूगल को देखते होंगे उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होता होगा। उनकी यह गलती आज दुनिया की महंगी गलतियों में शामिल है। एप्पल, जैसा कि आप सब जानते हैं, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और स्टीव ओजिम्स के बाद तीसरे फाउंडर रोन वायन ने 1976 में अपने पास मौजूद एप्पल कंपनी के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए थे। अगर हम उस समय भारतीय रुपयों के अनुसार देखें तो इसका मूल्य केवल 5000 रुपये होता है। अगर वो शेयर आज रॉन वायन के पास होते तो वह भी अपने पार्टनर की तरह करोड़पति होते। उनके शेयर बेचने की गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती किसने की होगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।